गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में सीनेट की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बावजूद इसके जमकर प्रदर्शन हुआ, झड़प हुई, आगजनी भी की गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए। तस्वीरें आज पूरे दिन हुई घटना को दर्शा रही है कि किस प्रकार बैठक के अंदर और बाहर हंगामा मचा है। कई छात्र संगठन, शिक्षक संघ के नेताओं ने प्रवेश द्वार पर जमकर अपना विरोध दर्ज कराया, तो वहीं बैठक के अंदर भी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के अंदर हो रही लूट खसोट का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में कई जिलों से लोग पहुंचे थे। हम लोगों को तब सीजन करना होगा, और किसी एक चतुर्थी कर्मचारी का तब सीजन करना होगा। हम अपने हक की लड़ाई को लेकर यहाँ पे आए हैं। कन्या उत्थान योजना आप लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, आप लोग को पता होगा। उसका ऐसा सिस्टम है कि कॉलेज में, एक कॉलेज में 10 बच्ची का नाम आया है, 90 बच्ची का नाम नहीं आया है। वह गरीब बच्ची किस तरह से पढ़ेगा? लालच बड़ी बड़ी दिखाया है ये सरकार, वादा बड़ा बड़ा किया है ये सरकार, और अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर सरकार कहती है कि हम अपने वादे को पूरा किए हैं, तो इसका मतलब भीसी खा गया है। अगर भीसी खा गया है, तो हम भीसी से अपने हक की लड़ाई को लड़ने आए हैं। छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उसके रिजल्ट को खराब किया जा रहा है, उसके रिजल्ट को सुधरवाने के लिए आए हैं, उसके हक की लड़ाई को लड़ने आए हैं। तो मुश्ताक अहमद का पर्सनल गुंडा, वो जो 4 गो बाउंसर रखे हुआ है, वो देखिए हम पर लाठी चार्ज किया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखिए, और हम आपको दिखा पा रहे होंगे, यहाँ देखिए वो जो लाठी हुरपेटा है यहाँ लगा है। उसके बाद ये देखिए पर्सनल पार्ट पे मारा गया है हमको। मैं छात्र नेता नसरुल्ला, एनएसयूआई। कहाँ से हैं? मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे कॉलेज, विमेंस कॉलेज से समस्तीपुर। वो जो है हमारे 24 ही बच्चे का नाम आया है। हम लोग का यही शिकायत है कि हम लोग का छात्रवृत्ति क्यों, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को लिस्ट में नाम क्यों नहीं दिया गया है। और हमारे टीचर लोग का अभी तक रिजल्ट, अभी तक हमारे कॉलेज में बच्चे लोग का रिजल्ट नहीं आया है। आप ही बताइए कि रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा 2-3 साल बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, CLC भी नहीं दे रहा है, रिजल्ट भी नहीं दे रहा है, कैसे होगा? हमारे टीचर का कहना है कि हमारे यहाँ टीचर की कमी हो गई है। बताइए, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्या? 1 साल हो गया रिजल्ट निकले हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं है। बोलता है यूनिवर्सिटी जाइए, बताइए यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर जाके कॉलेज जाएंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग के किस बात का मतलब इसमें आत्म अधिकार है? बताइए, आप ही बताइए। दूसरी चीज की धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए। और सीनेट का बैठक, जब कोई महत्वपूर्ण बैठक होता है, तभी जो त्रस्त लोग होते हैं, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन के शिक्षक हों या तृतीय चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हों, ये हमारा उचित समय है मांग उठाने का। और आपको पता है
कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है गलत बातों के लिए चर्चित है मिथिला विश्वविद्यालय, और यहाँ पे जो है कुलसचिव मुश्ताक अहमद जी एकदम रंगबाज के ढंग से कॉलेज प्रशासन चलाना चाहते हैं, विद्यार्थी इनसे त्रस्त है, कर्मचारी इनसे त्रस्त है। तो आखिरी इस स्थिति में अगर लोकतांत्रिक अधिकार के तहत धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे हम रोज उनके सुबह में गुलदस्ते जाकर भेंट करेंगे? तो इसलिए आज जो बैठक महत्वपूर्ण धरना अमरन अनशन है, पिछले तीन दिन से संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन जी तमाम साथियों के साथ अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। बॉक्सर ब्लॉक विश्वविद्यालय प्रशासन रखता है ताकि हम लोगों को या छात्र को या जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको डराया जाए, तो इसके खिलाफ आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी चीज आप देखिए कि जो कुल सचिव हैं इनके खिलाफ कितने मामला चल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि हम, और ये कई जगह गाए बगाए ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि हमको गवर्नर हाउस का बृहद हस्त प्राप्त है, तो गवर्नर हाउस का अगर बृहद हस्त प्राप्त है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा। उनको ये भूल है, ये महागठबंधन की सरकार है और हम इस आवाज को आज विश्वविद्यालय में उठाए हैं, कल गवर्नर हाउस में भी ज्ञापन जाके देंगे, उसके बाद सरकार को भी कहेंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय में लूट खसोट जारी है और हजारों शैक्षणिक कर्मचारी हों, चतुर्थ वर्ग तृतीय वर्ग कर्मचारी हों, उनको परेशान किया जा रहा है, स्टूडेंट को रिजल्ट में परेशान किया जा रहा है और पैसे का खेल हो रहा है अंदर। सरकार है ये चोरों की सरकार नहीं है, चोरों की सरकार ये गुंडागर्दी का सरकार है, गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी में। ये चोरों की सरकार जा चुकी है, महागठबंधन का सरकार है और हमारे छात्रों के साथ जो हुआ है इसका खामियाजा कुलपति को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम नसरुल्ला है, मैं छात्र नेता एनएसयूआई। ये वीसी वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद का गुंडा, वह गुंडा भेज कर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, अंदरूनी पार्ट पे भी हमको चोट लगा है और यहाँ देखिए लाठी का निशान बना हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। जब हम अपने हक की बात करते हैं, जब हम अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, तो ये मुश्ताक अहमद का गुंडा हम पर लाठी चार्ज करता है। ये देख पा रहे होंगे हमारी बहनें पीछे बैठी हुई हैं, हमारी बहनों को भी चोट लगा है, उनके पर्सनल पार्ट पे भी चोट लगा है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। वो पर्सनल गुंडा भेजकर हम लोगों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके हक का हनन करते हैं। हम जब अपनी हक की बात करते हैं तो हम पर लाठी चार्ज करता है, हमें मारता है, हमें पीटता है। यह मुश्ताक अहमद का गुंडा, हम उसको बेहतर जानते हैं, पहचानते हैं, वही मुश्ताक अहमद का गुंडा हमें मारा है। मैं एनएसयूआई छात्र नेता नसरुल्ला, LMNU दरभंगा। मैं चंदना कॉलेज का छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ, अभी छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग अभी आए हैं। अगर हम छात्र नेता हैं यहाँ से तो हमारे ऊपर अगर इस तरह से पेश आ रहा है तो छात्रों के साथ कौन मारा? पुलिस मारा या उनके बॉडीगार्ड? बाउंसर जो रखा हुआ है यूनिवर्सिटी बाउंसर के तरफ से, हमें जो बाउंसर रखा है ना स्टार्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपके सिटीजन आवाज में। जैसा मौसम में ठंडी है मगर यहाँ छात्रों के बीच काफ़ी गहमा गहमी है। आखिरकार क्या इनको ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि सीनेट के मेंबर का घेराव करना पड़ा? इतनी ठंड में यहाँ पे लोग जमा है, छात्र जमा, क्या कहेंगे सदार जी? देखिए ऐसा है कि पिछले तीन सालों से VC से लगातार मिलने का कार्यक्रम चलता रहा है और VC के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। तो कुल मिला के आज ये जो अंदर में काजू कतली बर्फी खोआ मेवा का जो एक मीटिंग के तौर पे एक सो कॉल्ड मीटिंग जो बोला जाता है वो मीटिंग नहीं है, वहाँ काजू कतली खोआ मेवा चल रहा है। तो आज हम लोगों ने सोचा है, हम सारे छात्र संगठन ने प्लान किया है कि इनको खाने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले तीन सालों से ये यूनिवर्सिटी को खा खा करके खोखला कर दिए हैं। आप अपने आस पास देखेंगे तो सफाई का नाम नहीं है। कन्या उत्थान योजना का पैसा खा गए, डाटा सेंटर का पैसा खा गए, छात्र चुनाव के लिए बार बार कहा जा रहा है उसका कोई प्रॉपर डेट नहीं बता रहे हैं। हर विभाग में घोटालेबाजी हो रही है। एडमिट कार्ड पे कैटरीना कैफ का फोटो छाप दिया जा रहा है। कुल मिला के जो बिहार को और मिथिला यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की जो साजिश इस VC के देख रेख में जो किया जा रहा है ना, इसको रोकने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। और हम लोगों का एक नारा है, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। आज अगर खून तो बह गया, कुछ आपके साथी हैं जो घायल हैं? अभी लाल होना है, ये सड़क लाल होना है। और मैं ये आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये गोली चलवाए, ये डंडा चलवाए,
या बाहर के गुंडों को बोल के हम लोगों को पिटवाए मरवाए, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और हमारी बात को बीसी तक आप लोग पहुँचा दीजिएगा कि जब तक हम छात्रों का निदान नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़े। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हर यानी कि ये यूनिवर्सिटी प्रशासन एक नंबर चोर है, स्टूडेंट को लूट रहा है, एग्जाम दे रहा है बच्चा, पार्ट टू का आज तक रिजल्ट नहीं आया है और गलत तरीके से पार्ट टू का रिजल्ट, यानी कि अगर बच्चा दो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है उसको ऑनर्स में एब्सेंट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी हर जगह पर भ्रष्टाचार, जब से यूपी वाला डाटा सेंटर आया है तब से यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये सिर्फ रुपया के लिए यूनिवर्सिटी चल रहा है, स्टूडेंट को रुपया के वजह से लूटा जा रहा है। जितनी लड़की क्या क्या लगता है यहाँ पे शिक्षा के मंदिर में धंधा चल रहा है? सिर्फ धंधा, रुपया पर बीएड बेचा जा रहा है, सिर्फ धंधा चल रहा है यहाँ, धंधा के अलावा कुछ नहीं है। छात्र हित में कोई काम नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और जब तक ये निदान नहीं होगा, और जब जो आदमी आवाज उठाता है उसके खिलाफ FIR किया जाता है, जो आदमी आवाज उठाता है, यूनिवर्सिटी अपना गुंडा पाले हुआ प्राइवेट गुंडा वो लाठी चार्ज करता है, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता को मारता है, छात्रों को मारता है। जब तक हम लोग निदान यूनिवर्सिटी में छात्रों का निदान नहीं होगा तब तक ये यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे रहेंगे। कब तक ये आपका आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन जब तक निदान नहीं होगा छात्रों का, एक एक छात्र के सब्जेक्ट का, ऑनर्स का, हर चीज का निदान करवा करके हम लोग उठेंगे यहाँ से।